हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए ऐसी मज़ेदार गाजर की रेसिपी शेयर करूंगी, शायद ही आप लोगों ने बनाकर खाई होगी। और जो यूपी से हैं वो तो बनाते ही रहते हैं, और ये वाली रेसिपी मैंने अपने चैनल पर जितनी बार भी अपलोड की है आपने बहुत ज़्यादा पसंद की है। तो उसके लिए मैंने ले ली थी गाजर, जिनको मैंने छील के और इस तरीके से कट कर लिया है, और चार मैंने हरी मिर्ची ले ली है जिनके पेट को मैंने कट कर दिया है। तो गाजर आप जो रेड वाली आती है वो भी ले सकते हैं, ऑरेंज वाली भी ले सकते हैं। और ले ली है मैंने थोड़ी सी मेथी दाना। तो अब मैंने रख दी है नॉन स्टिक की हांडी, उसमें डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। और जो गाजर की कढ़ी मैं बना रही हूँ वो मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो जैसे ही मस्टर्ड ऑयल गर्म हुआ तो उसमें मैं डाल दी हूँ मेथी दाना, हींग, और जो चार हरी मिर्ची मैंने कट करके ली थी वो। इनको थोड़ा सा चटकने देंगे, फिर उसके बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी गाजर। और गाजर को मैंने अच्छे से धो लिया था छील के, तो इसको अच्छे से हाई फ्लेम पर थोड़ा सा हम भूनेंगे। थोड़ा भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर, और अब उसमें ऐड कर दूंगी धनिया पाउडर। मतलब जो हमारे बेसिक मसाले हैं वो हम यहाँ पर अच्छे से ऐड कर देंगे। लाल मिर्ची ऐड कर दी हूँ, नमक भी ऐड कर दी हूँ। तो सारे मसालों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए गाजर को मसालों के साथ भून लेंगे। तो ये जो गाजर की कढ़ी है विंटर में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप इसको कभी भी बनाकर खा सकते हैं, लेकिन विंटर स्पेशल है। तो अब इसमें मैं डाल दी हूँ 1 गिलास पानी। पानी डालने से क्या होगा कि जो हमारी गाजर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ढक के रख दी 5 मिनट के लिए, जब तक गाजर हमारी पक रही है। तो मैंने ले लिया है दही, ये फ्रेश दही है। मुझे खट्टी कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैंने फ्रेश दही की बना रही हूँ। तो इसको अच्छे से मैं मत लूँगी। तो अब मैंने ले लिया है 1 मिक्सिंग बोल, और उसमें डाल रही हूँ मैं बेसन। तो जितनी आप कढ़ी बनाएं उस अकॉर्डिंग बेसन ले लें। तो मैंने 1 बड़ा कटोरी भर के बेसन है वो मैंने ले लिया है। तो इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका जो घोल है उसको हम तैयार कर लेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री होने तक। और इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पहले ही मट्ठे में या पानी में बेसन को घोलेंगे बहुत ज़्यादा तो गुठली पड़ जाती है। जिस तरीके से मैंने घोला है आप उस तरीके से घोल लेंगे, तो जो घोल हम बना रहे हैं उसमें बिल्कुल भी गुठली लम्स नहीं पड़ेंगे। तो जो दही हमने तैयार करके रखा था उसमें भी पानी डाल दिया है, और जो बेसन हमने घोला था वो उसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब मैं पानी ऐड कर दूंगी, और आप देख सकते हैं बेसन का जो घोल है एकदम लम्स फ्री बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। तो इधर हमारी जो गाजर थी वो भी पककर तैयार हो गई है। एक बार मैं इसको चला लूँगी और इसको एक बार चेक कर लेंगे कट करके। चाकू से मैं कट करके देख रही हूँ कि जो गाजर है वो पक गई है या नहीं। तो गाजर पक गई है, तो बहुत ज़्यादा नहीं एकदम गलाना है, क्योंकि जब जो हमने बेसन और दही का घोल बनाया है उसमें भी तो गाजर पकेगी, इसलिए गाजर को 80% तक ही कुक करना है। और जो घोल हमने बनाया था वो इसमें हम डाल देंगे, और कंटिन्यू घोल को हम चलाते रहेंगे, क्योंकि जो गाजर पक रही थी वो ऑलरेडी बहुत गर्म है, और इधर ये हम ठंडा इसमें ऐड करेंगे तो दही का जो घोल है वो फट जाएगा। तो कंटिन्यू चलाते रहेंगे। मेरी दही का जो घोल है बिल्कुल नहीं फटा है, कलर भी बहुत अच्छा आ गया है, अच्छा सा उबाल भी आ गया है। तो मैंने थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर दिया है। तो आप ढक के रख देंगे 5-6 मिनट के लिए, और कढ़ी हमारी अच्छे से गाढ़ी होकर बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम इसके तड़के की तैयारी कर रहे हैं। तो मैंने डाल दिया था घी, और उसमें मैं डाल दी हूँ मस्टर्ड सीड्स, राई छोटे वाली, और लाल मिर्ची, जीरा और हींग, और ढेर सारा लहसुन। इसमें जो मेन है वो हमारा लहसुन है, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है हमारी कढ़ी में। तो जब हमने गैस को बंद कर दिया, कढ़ी हमारी बनकर तैयार हो गई, तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी लाल मिर्ची पाउडर, जिससे हमारी जो कढ़ी है उसका कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। वैसे तो ये जो कढ़ी है वो विंटर में बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है, लेकिन हम इसको गर्मी में बना के खा सकते हैं। बस जो तड़के में हमने ढेर सारा लहसुन ऐड किया है ना, उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर देंगे, क्योंकि गर्मियों में लहसुन ज़्यादा नहीं खाना चाहिए।
तो फ्रेश हरा धनिया मैं डाल दी हूँ। दिखने में कितनी डिलीशियस हमारी गाजर की कढ़ी लग रही है। तो अब मैं आपको सर्व करके दे रही हूँ। आप जिस तरीके से खाना चाहते हैं खाइए। गेहूँ की रोटी, मक्के की रोटी, बाजरा की रोटी, सिंपल चपाती, जैसी भी आपको अच्छी लगे राइस के साथ। मुझे तो ये वाली कढ़ी रोटी चावल सबके साथ बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरी तो फेवरेट है। अगर आपको मेरी गाजर की कढ़ी की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना।